हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके रोज़े बहुत अच्छे अच्छे चल रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हमारे सब के रोज़े बहुत अच्छे से अमन अमान से सुकून से चल रहे हैं। तो वक्त हो गया है शाम का और आप देख सकते हैं कि गार्डन में सारे लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर होगी कि इफ्तार का वक्त होगा, ये गार्डन बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो गार्डन में सबको आने की बहुत मज़ा आती है और हवा हमारे यहाँ बहुत अच्छी चलती है। इतनी तेज़ हवा चलती है कि खिड़की भी बंद रखनी पड़ती है और बहुत तेज़ आवाज़ आती है हवा की। तो स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि स्टेशन बहुत नज़दीक है इसलिए ट्रेन की आवाज़ आ रही है, लेकिन ट्रेन की आवाज़ नहीं आती है, वो आती है हवा की आवाज़। तो बहरहाल आज है संडे, नहीं आज कौन सा दिन है, आज होली का दिन है, आज छुट्टी का दिन है। तो हम लोग ने सोचा कि सब मिल के इफ्तार करेंगे, तो बच्चे लोग को बुला लिया है, तो बस उसी की छोटी सी तैयारी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है मेरी, लेकिन छोटी सी तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मेरे किचन में। अभी मैंने लगा दिया है छोटा सा टेबल जो मेरे पास है और हम इसी में बैठ के इफ्तार करेंगे और सब लोग मिल के बातें करेंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग सब मिल रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 6:15। नॉर्मली मैं 6:30 के बाद ही जाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि बच्चे लोग आने वाले हैं, तो फटाफट फ्राई करके हटा देती हूँ। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं, देखते हैं मैंने कुछ किया है या नहीं। केला चाहिए था, केला अर्जेंट, अपी बोली केला चाहिए अपी को, यहाँ से लेना, यहाँ कहीं सामने पड़ा होगा तो फटक से लेके आ। भले भाई, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और अभी स्टार्ट करते ही मैं यहाँ पे रख दी हूँ बड़ी कढ़ाई जो लोहे की है। ये लोहे की कढ़ाई से टेस्ट बहुत अच्छा आता है चाइनीज़ आइटम का। तो नॉर्मली आपने देखा है मेरा इफ्तार सिर्फ सीख बनाती हूँ या एक आध आइटम कुछ बनाती हूँ, लेकिन आज बच्चे लोग आ रहे हैं तो एक आइटम से काम चलने वाला नहीं है। तो आज मैं बना रही हूँ, यहाँ पे रखी हूँ मैंने कढ़ाई। आप आ गए नानी को डिस्टर्ब करने के लिए, आओ। नानी अभी वीडियो शूट कर रही है, ठीक है, आप नानी शूटिंग कर रही है, ठीक है। आपका वेट करना था, क्यों वेट करना था आपका, काम करोगे आप, अच्छा चलो आ जाओ काम करो नानी के साथ, आओ नानी। लेकिन आज गैस चालू है तो नानी इसलिए आपको वहाँ नहीं ले जाएगी, ठीक है, गैस के पास, आज बहुत सारे गैस चालू है, ठीक है, ओके ओके तो ये जो लोहे की कढ़ाई है ना, देखिए मेरी नवासी आ गई, लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी मैं नूडल्स जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, मेरे हाथ का नूडल्स। उसके बाद वहाँ पे मैं रख दी हूँ दूसरी कढ़ाई में तेल, जिसमें मैं चढ़ाऊंगी प्याज, प्याज को मैं फ्राई करके बिरिस्ता बनाऊंगी, क्योंकि आज मैं बनाई हूँ मटन हलीम, तो मटन हलीम के साथ जो है बिरिस्ता घर का ही पसंद है मेरे बच्चों को, तो बिरिस्ता हम घर में ही बना रहे हैं क्योंकि बच्चों को हलीम के साथ बिरिस्ता ऊपर से घर का ही लगता है, रेडीमेड बिरिस्ते जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगते हैं टेस्ट में। और यहाँ पे मैं कुछ आइटम्स फ्राई करूँगी जो मैं आपको दिखाऊँगी। तो तेल को रख दिया है मैंने गरम, उसके बाद रख दिया है मैंने पैन, एक पैन में जो मेरे हस्बैंड की फेवरेट सीख बनाऊँगी जो मेरी रोज़ बनती है, और अभी उसकी मसाले की मैंने तैयारी कर चुकी हूँ। और यहाँ पे जो है एक चूल्हा बाकी है तो उसमें मैं चढ़ा दूँगी दूध ताकि चाय भी तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि एक ही बार में मैं कितनी सारी आइटम फटाफट बना लूँगी। तो सीख भी मैं तैयार कर ले रही हूँ, फ्लेम ऑन कर दिया है, अब इंसिया आ गई है तो बस अब उससे बात किए बिना रह नहीं सकते। रे इंसिया, अंकल नहीं दिख रहे आपको, अभी दिखेंगे आपको अंकल, जाओ वहाँ खड़े रहो, देखो, अच्छा आप इधर बैठ जाओ नानी के पास आ जाओ। अभी इंसिया को मैं किचन टेबल पे बिठा दी हूँ, थोड़ा दूर है गैस से, और वैसे वो बहुत ध्यान रखती है कि गैस जल रहा है तो मुझे नज़दीक नहीं जाना है। और ये फ्रूट चाट जो मेरी बेटी बनाती है बहुत बारीक बारीक, उसका ही काम है। और कलिंगर भी मंगवा ली हूँ मैं, वो छोटी बेटी ले आई है, आजकल बाहर का थोड़ा बहुत काम जो रहता है वो छोटी बेटी ही कर देती है, तो मेरे को बहुत आराम हो गया है क्योंकि घर में बहुत सारे काम रहते हैं तो मैं माह रमज़ान में जो है उतर नहीं पाती हूँ कुछ भी लेने, और ज़्यादातर चीज़ें मेरी ऑनलाइन से आ जाती है। अब केला वगैरह जो है ऑनलाइन से एक दो बार मंगाया तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, खाने के लायक भी नहीं रहता है, कभी कभी बहुत कड़क होता है,
तो मैं अभी बेटी को बोली हूँ जाओ नीचे से केला ले आओ ताकि सहरी में तकलीफ नहीं हो, क्योंकि आज जो है सहरी में क्या हुआ, हम ओट्स बना के रात में सो जाते हैं और सुबह में उठे तो याद आया कि केला तो है ही नहीं, और केले के बिना मज़ा नहीं आती ओट्स में। सहरी करनी थी कर लिए और बिना केले के हम लोग जो है ओट्स खा लिए। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, ध्यान से उतर जाता है। तो अभी किसी का फ़ोन आ रहा है तो मेरे को बात करनी पड़ेगी, तो मैं ज़रा बात कर लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। आज आप रोज़े से नहीं हो? नहीं। क्यों? तो आप रोज़ा रखे थे ना, तो क्या किए? मैंने हाफ रोज़ा रखा। हाफ रोज़ा कैसा होता है? हाफ रोज़ा भी रखते हैं आप? फुल रोज़ा कभी रखेंगे? अभी नहीं। तो कभी क्यों, कल? तो आपको भूख लगी है? हाँ। तो ऐसे दे दो, मिक्स नहीं किया नानी ने, ठीक है? आप बैठ के आराम से खाओ, ठीक है? मामा कहाँ है आपकी? मामा तो लो। तो थैंक यू नानी। थैंक यू नानी। प्याज भी उधर तल रही है। तो आज हम बनाएंगे कुम्स किचन का फ्रोज़न। तो फ्रोज़न फूड जो है हमारा बिजनेस है और हम जो बेचते हैं वही हम खाते भी हैं। तो बच्चे लोग आ रहे हैं तो यही मैं बनाऊँगी। तो ये है चिकन क्रीम सीख और चीज़ी टिक्का कबाब। तो दो आइटम ये हो गई, सीख हो गई, नूडल्स हो गया, हलीम हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बच्चे लोग भी इतना ज़्यादा नहीं खा पाएंगे और लोग भी बोलेंगे कि इतना ज़्यादा क्यों करें। तो मैं एक लिमिट में बना रही हूँ। और तलने के पहले आपको पता है मैं डाल देती हूँ इमली, जिससे तेल वगैरह जो है ख़राब नहीं होता है, जलता नहीं है, काला नहीं पड़ता है और कचरा जो है इमली जो है सक कर लेती है सारा कचरा। तो इमली कभी भी डालिए और आपका जो आइटम्स भी है ना बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए कितनी बेहतरीन सीख है। और इसका तलने का भी तरीका आप लोगों को बताती हूँ। तेल गर्म हो गया है, इस तरह से तलेंगे आप या हमारा क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई होगा। बहुत लोग हैं ना तलने में क्या करते हैं, तलते तलते दूसरे काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आइटम रहती है ना आपकी वो एक तरफ से जल जाती है, एक तरफ से कच्ची रह जाती है, एक तरफ से नरम रह जाती है, तो जिसकी वजह से आपके आइटम्स का टेस्ट जो है बिगड़ जाता है। और चम्मच का स्टैंड मेरा गिर गया, आपको आवाज़ आई होगी, लेकिन अभी मैं उसको उठाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी सीख जो है क्रीम सीख है वो जल जाएगी। अब देखिए इसको डालने के थोड़ा से रुकी हूँ मैं और उसके बाद हिलाना शुरू करी हूँ। जब तेल गर्म हो जाएगा, आइटम जब डालेंगे आप, तो थोड़ा धीरे धीरे करके इसको हिलाना शुरू करिए। एक तरफ थोड़ा तल जाएगा, उसके बाद आपको इसको फ्लेम को है ना लो करके कंटिन्यू चलाते रहना है। जब आप चलाते रहोगे तो वो सारी तरफ जो है ना अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। और यहाँ मेरी प्याज भी एकदम अच्छी फ्राई हो गई है, देखिए साथ साथ ज़रा से ध्यान हटा के प्याज एकदम ज़्यादा गोल्डन हो गई, तो फटाक से मैं निकाल लूँगी। मस्त तैयार हो गई है देखिए। स्टार्टर्स फ्राई करने के तक तो मेरा प्याज भी जो है फ्राई होके तैयार हो गई है और इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो देखिए साथ साथ काम स्टार्ट करी तो बहुत फटाफट काम निपट जाता है। अब ये आइटम भी जो मैं तल रही हूँ क्रीम सीख, आप लोगों ने भी खाई होगी मंगा के, बहुत टेस्टी बहुत मज़े की होती है। क्रीम सीख मेरी हिट आइटम है, चीज़ी टिक्का कबाब मेरा हिट आइटम है, शामी कबाब हिट आइटम है, ऐसे तो हर एक का टेस्ट एक से बढ़ के एक है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वेबसाइट का, उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको कई लोग बोलते हैं ना कि हम बाहर का नहीं खाते, तो मेरा जब प्रोडक्ट खाएंगे ना तो आपको लगेगा आपने खुद ने ही बनाया है। कभी कभी लाइफ इतनी बिजी हो गई है तो टाइम नहीं होता है, लेकिन चीज़ भी चाहिए हमको खाने के लिए अच्छी से अच्छी, लेकिन टाइम नहीं होता है कि हम लोग इतना कुछ बना सकें। तो आप कुम्स किचन का अगर प्रोडक्ट लेके खाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने अभी अभी अपने घर में ही सारी चीज़ें तैयार की है। देखिए सीख कितनी अच्छी बेहतरीन तल के तैयार हुई है, गोल्डन गोल्डन। इस तरह से आप लोग भी तलेंगे ना तो आपकी भी चीज़ अच्छी फ्राई होगी और टेस्ट भी उसका बरकरार रहेगा। कई लोग क्या करते हैं ना, ऐसा तल देते हैं कि काला 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 लगता है, तो फिर वो कड़वा कड़वा लगने लगता है खाने में। अब
अभी मैं चीज़ी टिक्का कबाब फ्राई करूँगी, ये भी बहुत बेहतरीन टेस्ट होता है, ये मेरी हिट आइटम है। अभी एक मिनट तक है ना इसको मैं ऐसे ही फ्राई होने दूँगी और उसके बाद ही मैं इसमें चम्मच लगाऊँगी। जब आप डालेंगे ना तो फ्लेम हाई पे रहेगा और इसको नीचे से अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। आ गई तो मेरे को थोड़ा काम में लग गई, तो ये सीख के लिए तैयारी करने मिली नहीं। अब मैं थोड़ी सी सीख करी थी, अभी वापस से पूरी सीख डाल देती हूँ। तो ये दूसरी तरफ मैंने पलट दिया है और ये अच्छे से अभी फ्राई हो रहा है और इसको मैं गैस को जो है अभी फ्लेम को लो कर दी हूँ। और अभी मेरे को लगता है मेरी बेटी भी आ गई, ज़ोर ज़ोर से घर को ठोक रही है दरवाज़े को, तो देखती हूँ कौन आया है। और ये वॉचमैन के साथ सब्ज़ियाँ भेज दी है उसने कि ताकि मैं जल्दी से फ्राई करूँ, नूडल्स लेके आएगी पीछे से लगता है। आ गई, अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या लाई? नूडल्स लाई। तो अजान का वक्त हो गया है और अजान की आवाज़ भी आ रही है और हमारी भी तैयारी ख़त्म पे ही है और कंप्लीट हो चुकी है। बस बच्चे लोग आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और हम लोग सब साथ में बैठ के इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से हम लोग कभी कभी साथ में इफ्तार। अब बड़ी बेटी जो है आज नूडल्स जो है उबाल के भेजी है, सब्ज़ी कटवा के भेजी है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा नूडल्स बनाना। क्या डालने का? पर सब सब्ज़ी डालना, खाली प्याज नहीं डालना, नहीं वो शिमला भी डालना, गाजर और वो डाल। तो मेरी बेटी हेल्प कर रही है क्योंकि अजान भी हो रही है, तो जल्दी से वो नूडल्स तैयार कर दे रही है। फ्रेंच बीन डाल दे, नहीं हाँ शिमला नहीं डालना, शिमला जल्दी गल जाती, नहीं टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हाँ फ्रेंच बीन डाल दे और बाकी छोड़ दे, थोड़ा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं सॉस डालती हूँ और उसके बाद नूडल्स डालेंगे। हाँ चला चम्मच कंटिन्यू। अदरक लहसुन की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे लगते हैं नूडल्स। हाँ मैं जो नूडल्स बनाती पसंद है, देखो हाँ वैसे ही बनेगा। अदरक लहसुन चॉप चाहिए? मतलब लहसुन के बारे में? नहीं नहीं ज़रूरत नहीं, नूडल्स बहुत सादे से मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इफ्तार में बन चुका है हमारे लिए वाइट सीख, दही वड़े, फ्रूट चाट, चिकन चीज़ी टिक्का कबाब, चिकन चीज़ी ब्रेड रोल, चटनी और साथ में बन गई है क्रीम सीख, चिकन क्रीम सीख और नूडल्स। तो इफ्तार हमारा तैयार है। कमेंट में ज़रूर लिखेगा कि हमारा इफ्तार आपको कैसा लगा, मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू।